स्टूडेंट देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें एक्स इक्वल टू दिया है ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू दिया है बी टेन थीटा, तो दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ऑन डिफरेंशिएटिंग एग्जाम में अगर मार्क्स आपको मैक्सिमम स्कोर करने हैं तो ध्यान रखना होगा, स्टेप शॉर्ट नहीं करोगे, सारे स्टेप लिखोगे तभी आपको मैक्सिमम मार्क मिलेंगे। अगर स्टेप शॉर्ट करते हो तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन स्टेप सभी लिखना। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ए बाहर रखा डी अपॉन डी थीटा निकालेंगे सेक थीटा का इक्वल टू ए, सेक थीटा का होता है डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, ये था डी एक्स अपॉन डी थीटा, इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब हम वाई इक्वल टू टेन थीटा को करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी, बाहर लिखेंगे और डी अपॉन डी थीटा निकालना होगा हमें टेन थीटा का, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी, और टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड करेंगे 2 को 1 से। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी नहीं होगा ये डी थीटा है, डी थीटा और ये डी थीटा इक्वल टू 2 था हमारा बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा सेक थीटा से सेक थीटा टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा, इसे आप लिख सकते हो बी अपॉन ए सेक थीटा को लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन को लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हुए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका बी अपॉन ए और ये साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया बी अपॉन ए, 1 अपॉन साइन होता है कॉसिक, तो ये आ गया कॉसिक थीटा, ये आपका आ गया फाइनल आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए कॉसिक थीटा। नोट इट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा ए बाहर रखेंगे और डी अपॉन डी थीटा हमें निकालना है कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा ए बाहर रहेगा एज इट इज, डी अपॉन डी थीटा निकालेंगे कॉस थीटा का, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा प्लस डी अपॉन डी थीटा, जब निकालेंगे थीटा साइन थीटा का तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये थीटा एज इट इज और डी अपॉन डी थीटा
साइन थीटा का प्लस साइन थीटा है ये चीज, और डी अपॉन डी थीटा आएगा थीटा का, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, ये आ गया माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा, और साइन थीटा और थीटा का हो जाएगा वन। तो ये माइनस साइन थीटा ये प्लस साइन थीटा दोनों कैंसिल हो गए, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए थीटा कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने वन। अब हम लेते हैं बाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस को थीटा कॉस थीटा को, तो डी वाई अपॉन डी थीटा यहाँ से आएगा ए बाहर, डी अपॉन डी थीटा होगा साइन थीटा का माइनस, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा थीटा को एज इट इज छोड़ देते हैं, और डी अपॉन डी थीटा हो जाएगा कॉस थीटा का प्लस, चूंकि माइनस है तो प्लस भी माइनस में हो जाएगा, कॉस थीटा को एज इट इज, और डी अपॉन डी थीटा निकालेंगे थीटा का डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा माइनस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से है तो ये हो गया साइन थीटा माइनस थीटा का होगा वन, तो ये हो गया कॉस थीटा, तो ये आपका कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू आ गया ए थीटा साइन थीटा। इक्वेशन नंबर टू। अब टू को जब वन से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई वन, टू को जब वन से डिवाइड करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डायरेक्ट लिखे देते हैं, ये आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा कैंसिल हो गए, साइन अपॉन कॉस टेन होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा आपका टेन थीटा। ये आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। थैंक यू नोटेड। अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.6 का लास्ट क्वेश्चन 11th है, जो दिया है कुछ इस तरह से x इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी। तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी एक्स अपॉन डी टी आएगा रूट डी अपॉन डी टी निकालेंगे रूट ए साइन इनवर्स टी का, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले आप निकालोगे इसे रूट एक्स का, तो रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, यानी कि वन अपॉन टू रूट ए टू पावर साइन इनवर्स टी। इसके बाद डी अपॉन डी टी निकलेगा ए टू पावर साइन इनवर्स टी। अब इसे आप देखोगे ए टू पावर एक्स की तरह, जिसका होता था ए टू पावर एक्स लॉग ए, तो वन अपॉन टू रूट ए साइन इनवर्स टी एज इट इज रहेगा, ये ए रेज टू पावर है
साइन इनवर्स टी, और जब ए रेज टू पावर एक्स का निकालते थे तो ये होता था ए टू पावर एक्स, यानी कि ए टू पावर हो जाएगा साइन इनवर्स टी ए टी, और लॉग ए, लॉग ए, और अब आपको निकालना है साइन इनवर्स टी का, तो डी अपॉन डी टी, तो स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे डी अपॉन डी टी साइन इनवर्स टी, तो ये आपका हो गया वन अपॉन टू। यहाँ आप थोड़ा सा कर सकते हो, देखो ये रूट में है, अगर इसे हम x समझें, ये रूट एक्स है और ये x है, तो ये रूट टाइम कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा ऊपर रूट में a रेज टू पावर साइन इनवर्स t, a रेज टू पावर साइन इनवर्स t, लॉग ए एज इट इज रहेगा, और साइन इनवर्स टी का होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि वन माइनस टी स्क्वायर। इसको अगर और कुछ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं इतना ही बना रहने दो, डी एक्स अपॉन डी टी हो गया इक्वेशन नंबर वन। यहाँ से हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी आएगा, पहले इसे करेंगे रूट एक्स की तरह, तो वन अपॉन टू रूट ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी, इसके बाद हम डी अपॉन डी टी निकालेंगे ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी का इक्वल टू वन अपॉन टू ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी। जब डी अपॉन डी टू ए टू पावर एक्स का निकालते हैं तो ये होता है ए टू पावर एक्स, यानी कि ए टू पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए, और डी अपॉन डी टी निकालेंगे कॉस इनवर्स टी का, डी अपॉन डी टी ये हो गया कॉस इनवर्स टी इक्वल टू, फिर यहाँ पर वही होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे वन अपॉन टू रूट आ जाएगा इसमें कॉस इन ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी, और ये लॉग ए एज इट इज रहेगा, और कॉस इनवर्स टी का होगा तो माइनस हो जाता है वन अपॉन में, तो ये माइनस आगे लगाया मैंने वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। इसे हम दे देते हैं डी वाई अपॉन डी टी को इक्वेशन नंबर टू। अब जब डिवाइड करेंगे इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से तो हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई वन, जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू होगा ये माइनस 1 अपॉन 2, और ये रूट ए टू पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए तो ये होगा माइनस वन अपॉन टू रूट ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए, और नीचे आएगा ये वन अपॉन रूट में वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन इक्वेशन नंबर वन, ये रहा वन अपॉन टू रूट ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, और ये इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। केवल आपको स्टेप सही से करने हैं, आंसर आपसे बन जाएगा बिल्कुल लास्ट में, इजीली होगा,
तो ये देखो वन अपॉन टू से वन अपॉन टू कैंसिल हो गया, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, वन अपॉन वन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, और डी टी से डी टी हो गए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका, पहले यहाँ लिखे लेते, बचा क्या माइनस रूट में ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन रूट में ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी। अब आप अगर देखें ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी आपका वाई था और ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी आपका एक्स था, तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन एक्स, और यही आपसे प्रूव करने को कहा है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, स्टेप सही से लिखने हैं तो आंसर आपको बिल्कुल आसानी से बनेंगे। थैंक यू, नोट इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।